तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे कि CHSL, CGL, RRB या फिर UPSC या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे आपको दिख पा रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों, यह 152वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को याद करने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2021 वैश्विक शांति के प्रतीक की 152वीं जयंती है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट क्या है, हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है स्मृति मंधाना। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों, यह उनकी 118वीं जयंती मनाई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दे देते हैं। पहला पॉइंट, 2 अक्टूबर 2021 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक ही दिन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक लगभग 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था तथा 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के चिन्नौर चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिन्नौर के चावल को GI टैग मिला है। चिन्नौर चावल की महक और स्वाद इसे खास बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सुनील कटारिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी ध्यान दे देते हैं। पहला पॉइंट, कॉफ़ी के उपयोग का जश्न मनाने और बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत 6वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। उद्देश्य क्या है इसका, इस पर भी ध्यान दे देते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कॉफ़ी के निष्पक्ष कारोबार को बढ़ावा देना और कॉफ़ी उगाने वाले लोगों की मुसीबतों को दुनिया के सामने उजागर करना है। ठीक है दोस्तों, अगर 2021 की थीम की बात कर लें तो थीम क्या है, कॉफीज नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्केयर्ड पोर्टल को किस मंत्रालय ने विकसित किया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। स्केयर्ड का फुल फॉर्म सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिजनिटी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने
1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर स्केयर्ड पोर्टल को विकसित किया है। भारत के वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए मंच प्रदान करने के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया है और इस पोर्टल को सुनिश्चित करने के तरीके खोजने के उद्देश्य से विकसित किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक एक सुखी स्वस्थ सम्मानजनक सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है विनोद अग्रवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, विनोद अग्रवाल निकुंज सांघी की जगह लेंगे। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि विनोद अग्रवाल के पहले कौन था अध्यक्ष, निकुंज सांघी जी थे। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ईआर शेख। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 30 सितंबर को ईआर शेख ने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे अ रेसिपी फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मोना नेम्बर। यह अ टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे अ रेसिपी ऑफ फॉर सक्सेस बुक के लेखक हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे होती है क्लास खत्म। बाकी हम मिलते हैं अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।